Welcome to Noble Tech Education. This is Vijay Titwal. आज के सेशन में ये सीखेंगे कैसे HTML फाइल क्रिएट करते हैं. मैं इस वीडियो में टोटल प्रैक्टिकल आपको दिखा बताऊंगा. थियोरेटिकल पार्ट में मैं अगली वीडियो में HTML के बारे में ब्रीफली बताऊंगा. HTML कैसे काम करता है, HTML का वर्क क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं HTML का फर्स्ट लेसन. HTML की फाइल क्रिएट करने के लिए Notepad यूज़ किया जाता है. मैं बिगनर्स यूजर्स के लिए विंडो में प्री इंस्टॉल Notepad का यूज़ करने जा रहा हूँ. देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड में विंडो R प्रेस कीजिए. Notepad आपको ओपन करना है. कंट्रोल ऑल्ट स्पेस एक्स के साथ इसे मैक्सिमाइज करेंगे. HTML एक पेयर टैग है, दैट इज अ मेन टैग. ठीक है, तो लिखेंगे HTML स्लैश HTML और आप इसे अब सेव कर देंगे. आप कोई भी नाम दे सकते हैं. मैं टेस्ट डॉट एस टी एम एल कर रहा हूँ. एक फाइल पहले से क्रिएटेड है, मैं दूसरी फाइल क्रिएट कर देता हूँ. मैं डेमो के नाम से फाइल दे रहा हूँ. देन एस सेव. सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने फाइल क्रिएट करी है डेमो के नाम से. एस टी एम एल फाइल को क्रिएट करने के बाद एस टी एम एल कंटेंट को रीड करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज़ किया जाता है. आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स एंड सफारी भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इस पर अभी राइट क्लिक करता हूँ और डेमो गूगल क्रोम पे ओपन करता हूँ. देखिए मेरी फाइल ओपन हो गई है और ये दिखाता है, URL बार में लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पे मेरी फाइल है. सी ड्राइव यूजर में HP में डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में डेमो डॉट HTML के नाम से ये मेरी फाइल है. थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. सेकेंड लेसन मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा. थैंक यू.